नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी लेकर आए हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। तो हरि प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और एक रानी थी। उनके दो एलडीडीए के और दो लड़की थी। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती और गाय की सेवा भी करती थी, लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही वो किसी की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह की योग्य हो गई है तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में ये गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बेटियों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनको घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रूप जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिवचर्चा रखी जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थीं, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थीं, तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिवचर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिवचर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की ये बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, भगवान क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना ये गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है, आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिवचर्चा पूरी हो गई, अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई के पास जाऊं, यहां जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा था ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा या जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो और कोई नहीं बल्कि साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो जिससे मुझे ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबा दिए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वहाँ से रवाना हुई तो चलते चलते एक शिव मंदिर आया।
वहां पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहां जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी, पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा, और क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और वहां से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहां जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहां सब पूजा पाठ करने तो आती है, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत की पैर दबाई और पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहां से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहां जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहां सफाई कोई नहीं करता है, इसीलिए तुम इस किनारे पर सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहां पर सफाई की और उस बूढ़ी औरत की पैर दबाई और कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने मायके में पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भाभियों ने देखा तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक ठेले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा के भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? पूर्णिमा ने कहा, मैं आ गई। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए। उन्हें लेकर वहां से रवाना हुई पूर्णिमा अब आगे चली तो वही काली माँ का मंदिर आया। वहां भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, माँ जी मैं आ गई तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि इसको घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सिर पर लिया और एक एक हाथ में ले लिया और वहां से रवाना हुई और आगे चली तो आगे वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बुढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई हो? तो पूर्णिमा ने कहा, बाबा मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए। अब भला वो अकेली चार थैलों को कैसे ले सकती थी, इसीलिए उसने पुरानी साड़ी निकली और उन चारों थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। और अब पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और थोड़ा ही चली तो वही तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, माँ जी मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसको घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास पांच थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े,
और बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था, उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था, उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसी तुलसी माँ ने दिया था, उसमें चावल दाल और 7 प्रकार का दान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव से सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं बिन बुलाई तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे ये तो उन्हें मैं क्या कहूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता, मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ये यही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थी जो उसके पैरों में चुभ गई और वह दूसरे किनारे पर उतर कर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भाभियों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की, ढाई शेर अनाज की, ये भला कहां से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, ये कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाना खाकर सो गई। अमावस्या सुबह उठी और अपनी मुंह से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूं, तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाभियों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? उसने कहा, आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि अब तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सिर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की है, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती
और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुझे कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूंगी। मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम तीन सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने जो तीन सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से मांगने लगी और वो सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। हरि प्रेमियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद हरि प्रेमियों।